इतना स्ट्रॉन्ग हार्डवेयर होगा उतनी अच्छी गेमिंग परफॉर्मेंस होगी, उतना बेटर सेट होगा, परफॉर्मेंस ज्यादा अच्छी होगी। आज के इस वीडियो देखने के बाद आपको हकीकत खुलकर सामने आ जाएगी। एलजी का सेट है, एलजी V60 डोकोमो में भी है और ये वेरिजोन के अंदर भी है। ये क्यों बेटर रहेगा आपके लिए? ये एलजी का V60 है जो गेमिंग फोन है, जबरदस्त गेमिंग फोन है। ये देख सकते हैं आप डोकोमो वेरिएंट, लेकिन इसको हम कैसे वेरीफाई करेंगे क्यों ये बेटर है? हर चीज इंस्टॉल कर दी है, बेंचमार्क, सीपीयू, हर चीज इसके अंदर वेरीफाई करेंगे। ये सारे सेट्स मेरे पास नया स्टॉक है, डोकोमो वेरिएंट में आया। मैं आज की वीडियो डोकोमो के लिए बना रहा हूँ, लेकिन जरूरी नहीं है कि डोकोमो आया तो यही अच्छा है। ये प्रैक्टिकल तौर पे आज आपको हकीकत खोल के सामने रख दूंगा। ये डोकोमो वाला है जिसका लोगो यहाँ पर आ रहा है, लेकिन इसके अंदर भी लोगो आ रहा है वेरिजोन का। ये देख सकते हैं, एक डोकोमो वाला है, एक वेरिजोन वाला है। 360 असलामुअलैकुम पाकिस्तान, कैसे आप सब? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। आज की इस नई वीडियो के अंदर हम आपके लिए एक क्लियर करने जा रहे हैं एक चीज़ को, जो लोगों में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन देखी जाती है, परेशानी देखी जाती है। वो ये बोलते हैं हमें LG V60 चाहिए, बट हमें चाहिए वेरिजोन वाला। उनको वेरिजोन का भी नहीं पता होता, वो बोलते हैं ब्लू कलर में चाहिए और वाइट कलर में चाहिए। तो ये वाइट और ब्लू कलर में कौन से कैटेगरी में आता है, और डोकोमो वाला उनको क्यों नहीं चाहिए, और इसमें लेने में उनको क्या नुकसान है या फ़ायदा है, आइए इस वीडियो में देखते हैं। इस वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन इस वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल में नए हैं और सिर्फ तक इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखना चाहते हैं, आप ये जानना चाहते हैं मेरे पास कौन सा स्टॉक नया, कौन सी प्राइस पे लगने वाला है, तो इसलिए इसको सब्सक्राइब करें, बेल का आइकन लाजमी प्रेस करें, क्योंकि ये स्टॉक की वीडियोस आपको मिल सकेगी। तो लेट्स स्टार्ट अपनी वीडियो की तरफ चलते हैं। गाइस, आजकल मेरी आवाज़ थोड़ी ख़राब हो रही है, इस वजह से वॉइस क्वालिटी थोड़ी सी मुख्तलिफ आ रही होगी, लेकिन आपके लिए मैं हर वक्त तैयार रहता हूँ एक नई वीडियो बनाने के लिए। ये देख सकते हैं आप गाइस, LG का V60 नया स्टॉक है। ये 5G वेरिएंट है, गेमिंग परफॉर्मेंस में सबसे अच्छे चलने वाला फोन है, जो कि गेमिंग परफॉर्मेंस आपको जबरदस्त किस्म की चाहिए होती है। इस चीज़ को आप आज प्रैक्टिकल वेरीफाई करेंगे, बहुत जबरदस्त तरीके से, एक प्रोफेशनल तरीके से वेरीफाई करेंगे। मैं आपको जबानी तौर पर नहीं बताऊंगा, प्रैक्टिकल तौर पर बताऊंगा कि इसके अंदर आपको क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं, क्या फायदे हो सकते हैं, क्या नुकसान हो सकते हैं LG V60 डोकोमो वाले को लेने के लिए, ठीक है? क्योंकि ये दोनों फोन एक ही जगह से आते हैं। ये देख सकते हैं आप, ये मेड इन कोरिया, ठीक है, और यहाँ पर भी लिखा हुआ है मेड इन कोरिया, ठीक है। ये दोनों वेरिएंट है, और इसके थर्ड एक ये वाला भी पीस है मेड इन कोरिया, इसके ऊपर भी लिखा हुआ है। सारी की सारी ब्रांड एक ही है, यानी LG V60 बनाने वाली कंपनी एक ही है, बट ये डोकोमो क्यों लिखा हुआ है, इसके अंदर वेरिजोन क्यों आता है, ये सारा स्टॉक आपके सामने है। बहुत सारे व्यूअर्स देख चुके हैं, यूट्यूबर्स ने काफ़ी कन्फ्यूजन पैदा की है इस V60 डोकोमो वाले को लेकर। कुछ कहते हैं सामान कम होता है, कुछ बोलते हैं इसमें कोई चीज़ कम होती है, कोई हार्डवेयर कम होता है, कोई सॉफ्टवेयर कम होता है। आज की इस वीडियो देखने के बाद आपको क्लियरली वेरीफाई हो जाएगा कि इसमें क्या चीज़ ज़्यादा है, क्या चीज़ कम है। चले लेट्स स्टार्ट, हम स्टार्ट करते हैं। हमारे पास एक ये वेरियंट है, देखेंगे सबके साथ पहले तो साफ पीस है, मैं आपको वैसे भी बता रहा हूँ, ये सारे के सारे साफ पीस है, ए प्लस है, ये पन्निया वन्निया लगी हुई है इसके ऊपर, ठीक है। और इसको भी मैं ऑन कर दिया, ये LG V60 है वाइट कलर में, ठीक है, और LG V60 ये ब्लू कलर में है, ठीक है, बट ये दोनों एक ही कैरियर के अंदर है। ये वेरिजोन है, माय वेरिजोन लिखा हुआ है, और ये है डोकोमो, इसके अंदर डोकोमो कैरियर होगा। अच्छा, ये कैरियर होता क्या है, ये वहाँ पर ऐसा क्यों आता है कैरियर लिखा हुआ, सिंपली ग्लोबल क्यों नहीं आता, कुछ भी नहीं लिखा हुआ। LG V60 है तो LG के फंक्शन हो सारे। मैं बताता हूँ आपको, प्रीवियस बहुत सारे फ़ोन आते थे मोटरोला के सेट्स, ठीक है, एक छोटी सी आपको मिसाल दे रहा हूँ, तो उसके बाद इसके अंदर कॉम्पिटिशन बता देंगे, प्राइस बता देंगे आज की वीडियो के अंदर। प्राइस भी बहुत ज़बरदस्त होने वाली है, नॉन PTA PTA प्रूफ की प्राइस, और एक ज़बरदस्त किस्म के डील के साथ। लेकिन वीडियो का असल मकसद है आज इसको वेरीफाई करना है कि इन दोनों में क्या फ़र्क है। अब मैं आपको बताता हूँ, मोटरोला का सेट आता था मोटो ई फोर मोटो टर्बो, उसके बैक पे वेरिजोन लिखा हुआ होता था, टिक लगा हुआ होता था ऐसे ही, और वेरिजोन लिखा होता था। अगर आपके पास भी कोई फोन है तो निकाल के चेक कर लेना, बैक कवर उतार के, ये बैक पे वेरिजोन लिखा हुआ मोटर लगे। अब वो वेरिजोन क्या होता है? अच्छा, ये उस कंट्री में चलने वाली सिम है, इस तरह की सिम्स भी आती हैं, इसमें से निकलती हैं, लेकिन पाकिस्तान में ये तो वैसे वर्ल्ड वाइड होता है, पाकिस्तान के लिए इसमें कोई सी भी सिम चल सकती है, बट ये वेरिजोन वहाँ पर 5G के पैकेज देता है, 4G के पैकेजेस देता है, तो इसलिए वेरिजोन स्पॉन्सर करता है इस फोन को, ठीक है गाइस। ये मैं आपको वैसे ही बता रहा हूँ, लेकिन आपको प्रैक्टिकल वेरीफाई भी कर दूंगा। अच्छा, ये क्या है, ये डोकोमो है, ये कैरियर भी जापान का है, बाहर का,
और डोकोमो 5G के पैकेजेस देता है, और इस डोकोमो के अंदर आपको जापान के अंदर एक साल के 5G के पैकेज मिलते हैं, और वो एक साल तक आप 5G यूज़ कर सकते हो। जैसा कि जैस पाकिस्तान के अंदर सिम्स बनाता है, सिम कंपनी है नेटवर्क, और वो फ़ोन भी बनाता है और जैस लिखा हुआ था उसके ऊपर। अब मैं कुछ सिमें आपके सामने रख दूंगा, जस्ट लाइक उसके अलग अलग ब्रांड होंगे तो आप समझ जाएंगे, वेरीफाई हो जाएगा कि इसमें से क्या फ़र्क होगा। कुछ ऐसी ऐप्स होती हैं जो डिलीट कर सकते हैं, आप डिलीट कर सकते हैं, लेकिन डोकोमो के अंदर भी बहुत सारी ऐसी ऐप्स होती हैं जो आपको तंग कर रही हैं। मिसाल के तौर पे ये है डी कार्ड है। अब मैं इसको इन्फॉर्म में गया, यहाँ से इसको अनइंस्टॉल करा, अब यहाँ से अनइंस्टॉल हो गया, ठीक है। अब इसको भी अनइंस्टॉल कर सकते हैं, ये तो ऐप्स का मसला है, यहाँ से डायरेक्टली सॉल्व हो गया। लेकिन अब आते हैं हार्डवेयर की तरफ, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर कितना कितना आगे है इनका दोनों का देख सकते हैं आप आज की इस वीडियो के अंदर। हम आपको बिल्कुल वेरीफाई करेंगे। CPU-X देख सकते हैं आप, इसके अंदर सारी चीज़ें आपको एक ही वक्त में बताएगा, हर चीज़, सेंसर्स, CPU, मेमोरी, नेटवर्क। CPU की तरफ आते हैं, ये देख सकते हैं आप, इसके अंदर Qualcomm प्रोसेसर है स्नैपड्रैगन 865, ये 5G वेरिएंट होता है जिसके अंदर 8 कोर्स होते हैं, नंबर ऑफ कोर्स 8 है। GPU देख सकते हैं Adreno 650, 8GB रैम और 128GB इंटरनल स्टोरेज। इसके बाद भी हम इसका एक और टेस्ट भी करेंगे जो बेंच मार्क के लाता है, टू जेड से भी हम चेक करवा देंगे आपको। इसमें भी प्रोसेसर सेम बता रहा है 2.8 GHz, ये कौन सा वेरिएंट है मैं बता देता हूँ बार बार, ये देखो आप, ठीक है 2.8 GHz है। अब इसके अंदर डिवाइस में आते हैं, इसमें रैम रोम चेक कर सकते हैं आप, 8GB रैम और 128GB इंटरनल स्टोरेज। जिसके अंदर भी वेरीफाई हो गया CPU-Z के अंदर कि कोई भी चीज़ इसमें कम नहीं है, लेकिन हमें थोड़ा बहुत डिस्प्ले देखने में फ़र्क मिलता है, यानी कि इसका थोड़ा शार्प नज़र आएगा डोकोमो का आपको, ये देख सकते हैं आप, इसकी शाइनिंग ज़्यादा होगी। गोरिल्ला ग्लास 6 है इसके अंदर, ठीक है। अच्छा गाइस, दोनों डिवाइसेस आपके सामने हैं, ये LG V60 डोकोमो वाली है, ठीक है, और ये है LG V60 ब्लू कलर में जो कि वेरिजोन वाली है, ये चेक कर सकते हैं आप। लेकिन इन दोनों में डिफरेंस क्या है, क्यों पॉपुलर है ये डिवाइस जो कि थोड़ी लो लेवल की, मैं आपको प्रैक्टिकली वेरीफाई करूँगा इसके अंदर बताऊँगा कि ये डिवाइस आपको क्यों बेटर नहीं है ये, और ये क्यों बेटर है ये भी वेरीफाई करना है ना। तो आप ये देखो, ये मैंने सारे सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लिए हैं, ये सॉफ्टवेयर आप अपने कंप्यूटर के अंदर, अपने मोबाइल, लैपटॉप सबके अंदर सॉफ्टवेयर डाउनलोड करके चेक कर सकते हो उसका हार्डवेयर कितना अच्छा परफॉर्मेंस देता है, ठीक है। ये देख सकते हैं आप, एक ये सॉफ्टवेयर, एक ये, ठीक है, गिग बेंच मार्क, ये ऑन करते हैं हम। अब ये देख सकते हैं यहाँ पर योर डिवाइस, इसका मॉडल नंबर यहाँ पर है, इसका मॉडल नंबर यहाँ, दोनों LG V60 हैं, लेकिन ये डोकोमो है बाहर का और ये वेरिजोन का। अब दोनों का एंड्रॉयड वर्जन में थोड़ा सा फ़र्क है, ये एंड्रॉयड 10 के ऊपर है, ये 11 पे है, ये भी 11 पे चला जाएगा। फिर इसके कोर्स 4 कोर्स 1.8 GHz, इसमें भी सेम है, जो चीज़ इसमें है वो इसमें है, 3 कोर्स 2.4 और 1 कोर 2.8 GHz। अब इसमें हम लोग आज की इस वीडियो के अंदर इस चीज़ को वेरीफाई करेंगे कि डोकोमो जो है हार्डवेयर कितना स्ट्रॉन्ग है। आज की इस वीडियो में हम आपको क्लियरली वेरीफाई करेंगे और प्रैक्टिकल तरीके से बताएंगे, क्योंकि बहुत सारे यूट्यूबर्स ने LG V60 को पता नहीं क्या बनाया हुआ है, ये V60 डोकोमो जो है बेस्ट ऑफ द बेस्ट है इस ग्लोबल वाले वर्जन से, जो आप ग्लोबल समझते हो ये होता है वेरीजोन। आपको वीडियो में ही मैं आपको सब चीज़ें वेरीफाई कर रहा हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए, आपकी आंखें खुल जाए, ठीक है, ठीक है। और अब हम स्टार्ट करते हैं इन दोनों का हार्डवेयर टेस्ट, ठीक है। ये हमने हार्डवेयर टेस्ट स्टार्ट किया, स्टार्ट हो गया, स्टार्ट अब हो चुका है, अब हम एंड में डायरेक्ट दिखाएंगे और डायरेक्ट रिजल्ट दिखाएंगे, और आप अपनी कुर्सी की पेटी बांध के रखना, आपकी पूरी कुर्सी हिल जाएगी, इसका स्कोर इतना ज़्यादा होगा आप खुद देख लेना। अच्छा गाइस, 90% से ऊपर हो चुका है इसका ये टेस्ट, अब रिजल्ट आने वाला है। मैं फिर एक बार बता दूँ कि यहाँ पर हमारे पास LG V60 डोकोमो है, ये 5G वेरिएंट, और LG V60 ये भी नॉन PDA में मिलेगा, ये आपको PDA प्रूफ में भी मिल जाएगा, लेकिन ये ब्लू कलर में वेरीजोन वाला होता है। अब इन दोनों के स्कोर्स आने वाले हैं, रिजल्ट आने वाला है, चेक करना आप रिजल्ट। ये इसका रिजल्ट आ चुका है, ठीक है, इसको बैक करते हैं फ़ौरन, इसका रिजल्ट चेक कर लो आप, 923 इसका सिंगल स्कोर कोर है, और इसके अंदर कितना है वो मैं आपको बता देता हूँ, दोनों में डिफरेंस देखो आप, बड़ा डिफरेंस है, ठीक है, 923 898 ये इसका सिंगल है, और मल्टीपल 3369 और 3190 3190 बहुत बड़ा फ़र्क है, ठीक है। अब ये सारी चीज़ें इसके अंदर डिटेल भी आ गई हैं, कितना कितना हार्डवेयर सॉफ्टवेयर है, ये चीज़ें आप अपने लैपटॉप मोबाइल और टैबलेट वगैरह में भी यूज़ कर सकते हो, चेक कर सकते हो। फिर ये किस किस के कंप्यूटर के सामने खड़े हुए हैं वो भी चेक कर सकते हैं आप।
Xiaomi Poco F3 थोड़ा सा ऊपर है इस प्रोसेसर से, बाकी सारे नीचे। Samsung S21 Ultra भी नीचे, ये 5G वाला। ठीक है गाइस, ये देखें कौन कौन से नीचे। अब ये इसमें भी चेक कर सकते हैं, इसमें भी वही चीज़ें आ रही हैं, लेकिन स्कोर सबसे ज़्यादा आज की इस वीडियो के अंदर। एक बार फिर मैं बता दूँ, आज की वीडियो के अंदर हमारे पास विन किया है, जो विनर है जो LG V60 Docomo वाला है, जिसका स्कोर भी आप देख सकते हो। ये देख सकते हो आप स्कोर कितना ज़्यादा है, और मैं प्रैक्टिकल वेरीफाई करने का इसलिए कह रहा था कि ये चेक कर सकते हो हार्डवेयर कितना स्ट्रॉन्ग है, तगड़ा हार्डवेयर है। जितना तगड़ा हार्डवेयर, जितना स्ट्रॉन्ग हार्डवेयर होगा, उतनी अच्छी गेमिंग परफॉर्मेंस होगी, उतना बेटर सेट होगा, परफॉर्मेंस ज़्यादा अच्छी होगी। इसलिए मैं रिकमेंड करूँगा LG V60 Docomo वाले वेरियंट को। अच्छा गाइस, साथ ही साथ मैं गेमिंग परफॉर्मेंस भी आपको बता देता हूँ LG V60 के अंदर पबजी की क्या ग्राफिक्स है, और ये कितनी ग्राफिक्स में जेरो देती है, नहीं देती है, क्या ग्राफिक्स है। सही है, इसके अंदर सेटिंग्स में आ गए हम लोग, फॉरन ग्राफिक्स में आ गए, स्मूथ के साथ एक्सट्रीम है, HDR के साथ एक्सट्रीम है, डायरेक्ट अल्ट्रा HD डाउनलोड हो जाएगा तो उससे अल्ट्रा ग्राफिक्स आएगी, कलरफुल चला सकते हैं, जेरो बहुत ज़बरदस्त चलता है इसके अंदर। ठीक है, अच्छा ये हो गया आपका गेमिंग टेस्ट, इसमें सेम ग्राफिक्स आएगी इन सब के अंदर। परफॉर्मेंस स्मूथ है इसकी, बहुत ज़्यादा स्मूथ परफॉर्मेंस है, ये देख सकते हैं आप गाइस, ये बहुत स्मूथ चलेगा, वेरी स्मूथ। अच्छा गाइस, आज की इस वीडियो बहुत ज़्यादा तवील हो जाएगी, मैं पूरी डिटेल में बनाना चाह रहा था लेकिन वक्त इतना नहीं है, वक्त बहुत कलील है हमारे पास। ये देख सकते हैं आप, आज की इस वीडियो में Docomo सेट है हमारे पास जो LG V60 के अंदर है। अगर आपको इसमें PTA प्रूफ चाहिए तो वो भी मिल जाएगा, PTA प्रूफ हमारे पास लगे हुए हैं पीछे, ये देख सकते हैं आप, और भी पीछे भी दो रखे हुए हैं, अलहमदिल्ला 3-4 सेल कर दिए, पीछे काउंटर में इतनी जगह थी, बॉक्स भरा हुआ है मेरे पास। इसकी प्राइस वही है अभी फिलहाल, वही है डॉलर बढ़ने के बाद भी, क्योंकि हमने पुरानी परचेजिंग कर रखी है। अब जब नई परचेजिंग होगी, नए रेट आएंगे तो वो बहुत ऊपर होंगे, इसलिए जिस जिसका ऑर्डर है वो 55,000 में पूरी डील ले जा सकता है ऑफिशियल PTA में, और नॉन PTA, और ये नॉन PTA है, ये देख सकते हैं आप, ये सारे के सारे नॉन PTA। अब इसके अंदर क्या है, ये 40,000 के अंदर आपको कोई सा भी सेट मिल जाएगा डील के साथ, पूरी डील के साथ। ये भी मेरी पहले की परचेजिंग है इसलिए मैं इसको उसी रेट पर दे रहा हूँ, लेकिन अब जब ये सेल हो जाएगा और एक नई कॉस्टिंग आएगी, नया नई परचेजिंग आएगी, तो जाहिर सी बात है रेट्स का फर्क बहुत ज्यादा होगा। उस वक्त जो लेने वाले होंगे वो बोले होंगे हमने पुरानी वीडियो देखी थी, इसलिए सबसे ये रिक्वेस्ट है जो वीडियो देख रहा है और उसको लेने का मूड है तो फौरन वो ले ले, बाद में लेने वाला पछताएगा क्योंकि वो रेट ऊपर चले आएंगे। इसके कैमरे की मैंने तारीफ नहीं बताई, इसमें कुछ चीजें ऐसी हैं जो मैंने नहीं बताई, क्योंकि वो हर वीडियो का ना आपको इन्फॉर्मेशन पता चल जाती है। आज की इस वीडियो के अंदर आपको मैंने एक क्लियर चीज की है, रियलिटी बताई है इन दोनों फोन के अंदर क्या फर्क है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद भी आई होगी, बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, फुल इन्फॉर्मेटिव वीडियोस थी ये, ठीक है, और इसके अंदर आपको फ़र्क भी पता चल गया होगा आपको ये लेने में फ़ायदा है या ये लेने में फ़ायदा है। मेरे ख्याल में रिकमेंड मैं आपको यही करूँगा, क्योंकि हर चीज़ में सेम है, हार्डवेयर भी सेम है, और 10/10 कंडीशन है। पेपर किट, मैं एक आज फोन आपको उठा के दिखा रहा हूँ, इसके ऊपर ये देख सकते हैं आप, ये बिल्कुल A+ है, ये देख सकते हैं बिल्कुल पन्नी वन्नी सब लगी हुई है, बिल्कुल A+ पीस है, ये देख सकते हैं आप, A+ पीस है, ठीक है गाइस। अच्छा ये कंडीशन A+ आई है इसके अंदर, और जो ब्लू कलर होते हैं, वाइट कलर होते हैं, उसमें कंडीशन थोड़ी 19-20 हो सकती है ऊपर नीचे, लेकिन इसके अंदर कंडीशन बहुत ज़्यादा अच्छी आई है, मलाई मक्खन कंडीशन। इसकी प्राइस मैंने आपको बता दी, डिटेल रिव्यू नहीं कर रहा, डिटेल रिव्यू से वीडियो लंबी हो जाएगी, मैंने आपको हर चीज़ नहीं बताई इसके अंदर, बस ये बता रहा हूँ उसके अंदर। अगर आपको फिर भी डिटेल रिव्यू देखना है तो हमारी प्रीवियस वीडियोज़ में आप जाके चेक कर लेना। फोन के अंदर जो कैमरा है 8K वीडियो रिकॉर्डिंग, 5000mAh बैटरी, फास्ट चार्जिंग ऑप्शन, लाउड वॉल्यूम, 1080 की रेजोल्यूशन, 6.8 इंच की है, देख सकते हैं पबजी बहुत ज़बरदस्त चलेगा इसके अंदर। अच्छा गाइस, आप कोई अगर ऑर्डर देना है और आप पाकिस्तान से किसी भी जगह से हो, 500 डिलीवरी के चार्जेस है ओवरऑल पूरे पाकिस्तान में, बजर या TCS आपको घर बैठे मिल जाएगा। ऑर्डर देने के लिए हमारी इसी वीडियो का बिल्कुल नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मौजूद है ऑर्डर नाउ के नाम से, इस पर क्लिक करें, अपना नाम, नंबर, एड्रेस और अपना ऑर्डर बुक करवाएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए मोहम्मद फैजान को दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज़, सबका ख्याल रखिएगा।